मैं ममता तिवारी स्वागत करती हूँ आपका अपने खास प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में मैं खेसारी का जिक्र करने वाली हूँ। खेसारी का जिक्र इस बार ना तो फिल्म से जुड़ा होगा ना तो गानों से जुड़ा। अभी तक खेसारी से जुड़ी खबरें सिर्फ फिल्मों या फिर किसी लोकप्रिय गानों से जुड़ी या फिर बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और संघर्ष जैसी अच्छी फिल्मों के लिए खबरें आती थी। लेकिन कुछ दिनों से विवादों से जो पल्ला पड़ा है खेसारी का, वो उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे खेसारी और सुधीर का ये मुद्दा शुरू हुआ और कैसे आगे बढ़ा, और आज ये नाम हो गया है कि अलग अलग इंडस्ट्री से भी जुड़े लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चर्चाएं करने के लिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में कोई और नहीं है, मैं आपसे ही करूंगी और आपको ही जानकारी दूंगी। आपको ही कमेंट बॉक्स के जरिए बताना है कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं, जो हुआ वो क्यों हुआ, होना चाहिए था या नहीं। खेसारी और सुधीर का विवाद जब शुरू हुआ तब सिर्फ एक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए शुरू हुआ। सुधीर ने एक कॉल की खेसारी को, एक अपने गाने के लिए रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन खेसारी नहीं पहुंचे, उनके पास समय नहीं था। उस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद सुधीर को सबने निशाना बना लिया, खासकर उन लोगों ने जो खेसारी के फैंस थे। सुधीर ने फिर बाद में सफाई देते हुए ये कहा कि वो कॉल रिकॉर्डिंग 5 साल पुरानी है। उसके बाद दोनों में आरोप प्रत्यारोप तभी से चल रहा है जब से कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। खेसारी के बाबूजी भी एक बार लाइव आए और उन्होंने खेसारी के सारे फैंस को ये कहा कि मेरे बेटे को सुधीर से खतरा है, अगर उन्हें कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार प्रभुनाथ सिंह की फैमिली और सुधीर सिंह की फैमिली होगी। उसके बाद भी सुधीर सिंह लगातार खेसारी को लेकर अपने फेसबुक पर पोस्ट डालते रहे, और इधर खेसारी भी अपने हर इंटरव्यू में ये बात बोलते रहे कि मेरे दुश्मन तो मेरे अपने ही लोग हैं और मेरे दुश्मन तो मेरे इर्द गिर्द ही हमेशा रहते हैं और तमाम ऐसी बातें। अभी तो मैं अपने दुश्मनों को सिखाऊंगा कि गाना कैसे गाया जाता है, क्योंकि दरअसल सुधीर जो आवाज़ उठाए हुए हैं कुछ दिनों से, उनका कहना ये है कि मैं अश्लीलता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और इन्होंने एक बार खेसारी को सबसे पहले निशाना बनाया, तभी से खेसारी और उनके बीच ये विवाद पनप रहा है और अभी तक आगे बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। आप लोग जानते होंगे बीते दिन पहले ही स्टेज शो में 27 तारीख को वैशाली में खेसारी पर ईंट और पत्थर बरसाए गए हैं। आमतौर पर खेसारी के स्टेज शो में कई हंगामे हुए, भगदड़ हुए, लाठीचार्ज हुआ है लोगों पर, लेकिन वो मसला इतना उछला नहीं या फिर वो मसला इतना लोगों के सामने मुद्दा बनकर आया नहीं। लेकिन इस स्टेज शो में खेसारी पर जो चोट लगी है वो सभी फैंस, लाखों करोड़ों फैंस के दिलों पर चोट लगी है। खेसारी जब स्टेज पर आते हैं, गाना गाते हैं, तो उनके लिए खूब तालियां बजती हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए दूर दूर से स्टेज शो में शामिल होने आते हैं, और ज्यादातर मेल लोग ही होते हैं, मेल फैंस ही होते हैं खेसारी के स्टेज शो में। ताली बजाने वाले हाथ अचानक से खेसारी पर पत्थर बरसाने के लिए कैसे उठे, ये किसी को पता नहीं चला। कुछ दिनों पहले ही एक बार खबर ये भी आई कि खेसारी ने सुधीर को लेकर ये बात कही थी कि 2 करोड़ की रंगदारी मुझसे मांगी जा रही है, सुधीर मुझे फोन करके मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से दूं। खेसारी हर बार यही कहते हुए नजर आए कि मैं किसी एक जाति धर्म का नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ और एक कलाकार हर धर्म का होता है, ऐसी तमाम बातें खेसारी ने कही हैं। उनका ये कहना है कि सुधीर मुझसे बात करते हैं तो मुझ पे ये आरोप लगाते हैं कि तुम अहीर हो, राजपूत को ऐसा समझते हो, वैसा समझते हो, ऐसी बातें खेसारी ने कई दफ़ा अपने इंटरव्यू में बोली हैं। तो वहीं सुधीर सिंह का ये कहना है कि मेरा खेसारी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ अश्लीलता का विरोधी हूँ। अगर खेसारी अश्लील गाने नहीं गाते तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ उन गानों का बहिष्कार करता हूँ जिसमें अश्लीलता कूट कूट के भरी है। इस बात के बाद दोनों में कुछ दिन तक शांति रही, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों का आरोप प्रत्यारोप जारी रहा है, और आज जो हुआ उसका जिम्मेदार खेसारी ने सीधे सुधीर सिंह को ठहराया है, और वो भी उनके एक पोस्ट पर। वो पोस्ट हम आपको पहले अपनी एक रिपोर्ट में दिखा भी चुके हैं, उसमें सुधीर सिंह ने मजा चखाने जैसी कोई बात लिखी है भोजपुरी में कि मैंने वैशाली से शुरुआत कर दी है अश्लीलता के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। खेसारी ने जिस दिन हमला हुआ उस दिन खेसारी लाल लाइव नहीं आ सके, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पूरे बॉडी पार्ट्स पर जो पत्थर पड़े हैं उससे अंदरूनी चोट है, इसलिए वो अगले दिन लाइव आए
और बातें करते करते भावुक हुए और कैमरे के सामने उनके आंसू भी देखने को मिले। दर्शकों ने जैसे ही वो आंसू देखे आग बबूला हो गए, क्योंकि जो खेसारी के चाहने वाले लोग हैं उनमें से कोई खेसारी को भगवान मानता है तो कोई अपने दिल का राजा मानता है, और अगर उनको कोई कुछ कह दे तो उन फैंस के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जो सही नहीं है। इसलिए सुधीर सिंह पर गुस्सा फूटना जाहिर था, लेकिन गुस्सा फूटने भर नहीं फूटा है। खेसारी के पुतले, सुधीर सिंह के पुतले भी बकायदा जलाए जा रहे हैं बिहार में। कुछ लोग तो बिहार बंद करने की मांग कर बैठे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि खेसारी के लिए अगर बिहार एक दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या अश्लील गाने बंद होंगे? नहीं, लेकिन ये भी बात सही नहीं है कि जो खेसारी पर हमला हुआ था वो करवाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि खेसारी के समर्थन में कई लोग उतरे। सबसे पहले काजल राघवानी आई, फिर रजनीश मिश्रा जी भी आए जिन्होंने खेसारी के साथ काफी सारी फिल्में की हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों भाई मानते हैं एक दूसरे को। उसके बाद सुभी शर्मा भी आई जिन्होंने अभी तक खेसारी के साथ काफी सारी फिल्मों में काम किया है। उसके बाद निरहुआ जी भी लाइव आए। उसके बाद सुनने में आया है कि पवन सिंह ने भी कहा है, अक्षरा सिंह ने भी कहा है। तो जब उनके साथ रहने वाले इतने सारे लोग उनका पक्ष ले रहे हैं तो जरूर उनमें अच्छाई भी जरूर होगी। तो ये जो हमला हुआ है क्या सच में सुधीर सिंह ने करवाया है? अगर करवाया है तो क्यों करवाया है? इस बात का भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि खेसारी ने तो सुधीर पे जो इल्जाम लगाया है उसे सुधीर ने सिरे से खारिज कर दिया है, और अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि हमला मैंने नहीं करवाया, मैं वहां नहीं था और मैं तो कुछ दिनों से बिजी हूँ चुनाव प्रचार में, तो मैं ये हमला कैसे करवा सकता हूँ। जबकि खेसारी ने लाइव आने के दौरान पूरे दावे के साथ कहा है कि सुधीर सिंह ने मुझ पर यह हमला करवाया है। हमला तक बात पहुंची कैसे, ये भी बड़े ताजुब वाली बात है। जब खेसारी स्टेज पर पहुंचे स्टेज शो करने के लिए तो कुछ कुछ भनक खेसारी को शायद पहले से ही लग रही थी, क्योंकि खेसारी ने जिक्र किया है कि पहले स्टेज शो के जो शो स्टेज के नीचे जो बांस लगे हुए थे बैम्बोज वो हटा दिए गए जिससे स्टेज हिल रहा था। मुझे थोड़ा आभास हुआ उस समय, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये गलती इतना बड़ा रूप ले लेगी। उसके बाद लाइट काट दी गई, दर्शक अंधेरे में सिर्फ खेसारी को देख रहे थे क्योंकि एक लाइट सिर्फ खेसारी तक ही जल रही थी। अब उस बीच अंधेरे में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो लाइट खेसारी के पास आ रही थी धीरे धीरे वो भी बंद हो गई क्योंकि जनरेटर की तारें भी काट दी गई। तो क्या ये किसी एक शख्स का काम हो सकता है? क्या पत्थर बरसाने वाला कोई एक शख्स था? नहीं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई है उसमें खेसारी के पीछे हजारों लोग दौड़ रहे हैं ईंट पत्थर लेकर। हजार नहीं तो कम से कम 100 जरूर होंगे जो खेसारी पर पत्थर बरसाने का काम कर रहे थे। खेसारी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि हमले के बाद जब वो बाहर आए तो उनकी गाड़ी चकनाचूर हो चुकी थी और 200-500 पत्थर गाड़ी के अंदर भरे हुए थे। खेसारी की सिक्योरिटी में उनके आजू बाजू दो लोग थे, तब खेसारी का पूरा शरीर जख्म से भरा हुआ है। अगर खेसारी उस दौरान अकेले होते तो उनका क्या हश्र होता? तो इसमें गलती थोड़ी प्रशासन की भी माननी पड़ेगी और गलती थोड़ी खेसारी की भी माननी होगी, क्योंकि जब आप इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी आपको करके जानी ही चाहिए। अगर हम सिक्योरिटी के साथ भी जाएं और इतने सारे लोग पत्थर का बरसाव करेंगे तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी भी ज्यादा देर तक नहीं चलती। लेकिन यहाँ लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर हमें खेसारी के गाने अच्छे नहीं लगते, अगर हमें किसी सिंगर के गाने अच्छे नहीं लगते, तो उस पर पत्थर बरसा के हम गानों को कम नहीं कर सकते। उनका विरोध करते रहिए, उन गानों को सुनना छोड़ दीजिए, उन गानों को फिल्मों को देखना बंद कर दीजिए। वो कलाकार अपने आप औंधे मुंह गिरेगा और शायद कभी दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर हम पत्थर बरसाकर अगर हम अपने बलवानी दिखाएं, और अगर उन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गुस्सा दर्शकों में इसलिए था क्योंकि लाउडस्पीकर नहीं बज रहा था, पीछे तक आवाज नहीं आ रही थी, खेसारी गाने नहीं गा रहे थे, कुछ लोग कहते हैं खेसारी अश्लील गाने गा रहे थे। तो हर लोग अपने अपने तरीके से इस मुद्दे को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये आप बीती बीती है उनका पूरा ये कहना है कि मुझसे पुरानी दुश्मनी निकाली गई है और ये दुश्मनी सिर्फ अश्लीलता के गानों को लेकर की जा रही है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि अश्लील गानों में सिर्फ खेसारी का नाम शामिल क्यों है? लेकिन अगर शामिल है तो खेसारी को भी ये बात माननी होगी कि हाँ मैंने पहले जो गाने गाए हैं वो ठीक है लेकिन मैं आज से नहीं गाऊंगा। शायद उन्होंने ये चीज़ मान भी ली है, तभी वो आज अच्छी अच्छी फिल्में इंडस्ट्री को दे रहे हैं, संघर्ष जैसी फिल्में इंडस्ट्री को दे रहे हैं। तो अब हमें खेसारी को थोड़ा समय देने की जरूरत है, हो सकता है आने वाले दिनों में वही इंडस्ट्री की छवि को बदलें। लेकिन
अश्लील गानों का जिम्मेवार सिर्फ खेसारी को मान बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ एक कलाकार या एक सिंगर से नहीं चल रही है, सबसे चल रही है। इसलिए सभी का सभी इसमें जिम्मेदार भी हैं और सभी इसमें गैर जिम्मेदार भी हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आपको जो सजेशन लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आप अपनी राय ज़रूर दें, खेसारी पर जो हमले हुए वो सही है या नहीं, और हमले का जो कारण है, जो अश्लीलता के कारण को बताकर पत्थरबाजी चल रही है वो सही है या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।